दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। व्हाट इफ मनी डिड नॉट एग्जिस्ट। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सी चीजों के बारे में सुना होगा कि अगर ये ना होता तो क्या होता, अगर वो ना होता तो क्या होता। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा अगर पैसा ही ना होता तो क्या होता, या फिर अगर इंटरनेट ही ना होता तो क्या होता, और अगर हर जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो जाए तो क्या होगा। अब सुनने में ये चीजें भले ही अजीब लग सकती हैं, लेकिन वाकई में सोचने वाली बात है कि अगर पैसा ना होता तो हम इंसानों की जिंदगी किस तरह चल रही होती और हमारे इस लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव होते हैं। हमें पता है आपको इस तरह की जिंदगी के बारे में सोचकर ही अजीब लग रहा होगा। ऐसे में चलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ देखते हैं अगर असल में ये चीजें होती तो क्या होता। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले, अगर पैसा ही ना होता तो कोई भी करोड़पति अरबपति ना बन पाता। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अगर पैसा ही ना होता तो लोग भला काम क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों का काम में इंटरेस्ट इसीलिए आता है क्योंकि उसके रिटर्न में उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वो अपनी बाकी की लाइफस्टाइल जीते हैं और अपनी हर जरूरत की चीजें खरीदते हैं। लेकिन अगर एक्सचेंज के लिए पैसा ही नहीं रहेगा तो भूल जाइए, कोई किसी के लिए काम भी करेगा। अब ये चीज दो तरह से काम करती है, पहली कि लोग आराम से आलसी बनकर बिस्तर तोड़ सकते हैं, या फिर लोग अपने असली पैशन को फॉलो कर सकते हैं। वैसे करने को तो ये दोनों चीजें लोग अभी भी कर सकते हैं, लेकिन बिना पैसों वाली दुनिया में इन दोनों चीजों के होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी। और बिना पैसों के जो चीज धड़के से चलेगी वो है बार्टर सिस्टम। जिन लोगों को इस सिस्टम के बारे में नहीं पता उनके लिए हम बता दें कि बार्टर सिस्टम में लोग एक सामान के बदले में दूसरा सामान देते हैं और इसी तरह से चीजें एक्सचेंज हो जाती हैं। यानी आप समझ लीजिए, रोहन के खेत में चावल की खेती ज्यादा होती है तो वहीं सोहन के खेत में चावल की खेती कम होती है, लेकिन दाल की खेती ज्यादा होती है। ऐसे में ये दोनों एक दूसरे से चावल और दाल की अदला बदली करके अपना काम चलाएंगे। इसी सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता है, जो पहले के समय में बहुत ज्यादा चलता था, और अगर पैसा ना होता तो अभी तक चल रहा होता। वैसे अगर अभी तक मनी सिस्टम ना होता तो दो और चीजें होती। पहली ये कि इतनी जो इनोवेशन हो रही है ये ना होती, क्योंकि लोग तरक्की इसलिए करना चाहते हैं ताकि उनका बैंक बैलेंस बढ़ जाए। लेकिन जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो क्या बैंक और क्या बैलेंस, ये सब नहीं रहेगा, इसलिए इनोवेशन होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं। इन सब में सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारी मदर नेचर को काफी आराम मिलता है, क्योंकि लोग धड़ाके से नई नई इंडस्ट्रीज बना रहे हैं ताकि पैसा बनाएं, इसी के चक्कर में काफी प्रदूषण भी फैला रहे हैं। तो दोस्तों आपने ये देख लिया कि बिना पैसे की जिंदगी कैसी होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है बिना इंटरनेट की जिंदगी कैसी होगी। अब इस चीज का जवाब भी काफी पेचीदा है, क्योंकि सबसे पहली चीज तो अगर इंटरनेट ही नहीं होता तो आप हमारी ये वीडियो ही नहीं देख पा रहे होते। अगर आप हमारी वीडियो ना देखते तो आपको हर रोज नई नई बातें सीखने का मौका ना मिलता, क्योंकि इंटरनेट ने ही इंसान को बहुत कुछ सीखने समझने और जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दिया है। इसी वजह से आज के समय में 60% पॉपुलेशन यानी कि करीब 4.5 बिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से कोई इंटरनेट के सहारे पढ़ाई करता है तो कोई पैसे कमाता है, और कुछ लोग ऐसे ही हैं जो इंटरनेट पर अपना टाइम पास करते हैं। वैसे टाइम पास से याद आया, अगर इंटरनेट ही ना होता तो आप जो घर पर बैठकर फेसबुक व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते रहते हैं वो भी ना कर पाते, क्योंकि ये सारी चीजें चल ही नहीं पाती। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास किसी दूर रहने वाले इंसान से बात करने का एक ही तरीका होता, और वो है फोन कॉल या फिर मैसेज, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो इंटरनेट की मोहताज है। और भाई साहब, आपका इंटरनेट तो टाटा बाय बाय कर चुका होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरनेट के बिना हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती है या फिर हमारी जिंदगी में सब कुछ बुरा ही होगा। हाँ, आप भले ही अपने फेवरेट चैनल की वीडियोस नहीं देख पाएंगे, लेकिन जिस वक्त पर आप वीडियोस देखेंगे उसी वक्त पर आप अपने सगे संबंधी या फिर दोस्त यारों के साथ अच्छी बातें कर सकते हैं, उनके साथ बेहतर समय बिता सकते हैं, जिससे आपको भी और सामने वाले शख्स को भी कुछ नया जानने को मिलेगा। दोस्तों आपने बिना पैसे और बिना इंटरनेट की दुनिया के बारे में तो जान लिया, अब जरा आप ये जान लीजिए कि अगर इस दुनिया में मौजूद सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी तो क्या होगा। हमें पूरा यकीन है कि आप में से अधिकतर लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो हमारे भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई भी नहीं है और अभी से हम सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो भविष्य की सोचने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है, और जब ऐसा हो जाएगा यानी कि सड़क पर चल रही सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी तो इतना भयानक बदलाव आएगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों सबसे पहली चीज तो इलेक्ट्रिक कार वातावरण के लिए बहुत ही सही होती है, क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन नहीं फैलता है,
क्योंकि एयर पोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा रोड ट्रांसपोर्टेशन रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए अगर सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी तो हवा में प्रदूषण कम फैलेगा, और जब हवा में प्रदूषण ही नहीं फैलेगा तो बीमारियां होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो आजकल अधिकतर बीमारियां वातावरण में मौजूद गंदगी की वजह से फैल रही है, इसीलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चलते इस पर तो रोक लग ही जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो पेट्रोल और डीजल की खपत होती है वो भी नहीं होगी, क्योंकि जब बात इलेक्ट्रिक की आती है तो हम इलेक्ट्रिसिटी को आराम से अलग अलग सोर्सेस से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल एक बार खत्म हो गया तो दोबारा मिलने के आसार नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों के मुकाबले थोड़ी महंगी होती हैं, लेकिन ये भी तो सोचिए कितनी ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली और बढ़िया होती हैं। तो दोस्तों, आप वेब सीरीज और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल वर्सटाइल वी एक्सप्लेनर पर जाइए, जहां मैंने पाताल लोक वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन दिया है, बड़ा ही मजेदार। बाकी आपको बिना पैसे और बिना इंटरनेट वाली जिंदगी के साथ हर जगह इलेक्ट्रिक कार काम आने वाली जिंदगी कैसी लगी, उसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।